આદરણીય લોકપ્રિય સાંસદ સી આર પાટીલ સાહેબના હસ્તે આજે ઉદઘાટન થયું એ કાર્યક્રમમાં ઉધના વિધાનસભાના ધારાસભ્ય વિવેકભાઈ પટેલ અમારા શાસક પક્ષ નેતા આદરણીય ગિરજાશંકર મિશ્રાજી તમામ વોર્ડના કોર્પોરેટરો અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત હતા અહીંયા લોકોમાં ખુશીની લાગણી છે કે સ્ટેશન સુધી રિઝર્વેશન માટે જવું પડતું હતું હવે ઘર આંગણે રિઝર્વેશન સેન્ટર ખુલવાતી લોકોને આ એક સારામાં સારી સુવિધા મળી છે અને અમને ખૂબ ગર્વ છે હવે આવા વિસ્તારમાં રિઝર્વેશન સેન્ટરનો શરૂઆત થઈ છે હું શરદભાઈ બાગુલ અને એમના ટીમને હું શુભેચ્છા પાઠું છું કે આ વિસ્તારમાં જે જરૂરિયાત હતી એ જરૂરિયાત એ લોકોએ પૂર્ણ કરી છે તમામ લોકો અહીંયા કાઉન્ટર ટિકિટ લઈ શકશે એને રિઝર્વેશનનો અહીંયા રિઝર્વેશન કરી કરાવી શકશે जे लोग सौ रुपया खर्ची ने सूरत स्टेशन के उतना स्टेशन जता था एने हमें जव नहीं पड़े इतने आ घो मोटो फायदा लोगों ने थोचे अने हमने खूब आनंद है, है। फायदा ही फायदा है यहाँ श्रमिक एरिया है सुबह जाने का ड्यूटी पर रहता है इन लोगों को शाम को आते हैं देर रात में इनके पास टाइम का अभाव होता है एक टिकट लेने स्टेशन पर जाने के लिए कम से कम पूरे दिन का उनका पाँच सौ छः सौ जो मजदूरी मिलती है वो उनका रजा रखना पड़ेगा फिर वहाँ जाएंगे ऊपर से खर्च होगा तो 500 से सात सौ बचत हो रहा लोगों का और दूसरी बात यहाँ इमरजेंसी में कभी कभी वहाँ जा कर के टिकट लेना पड़ता है तो लाइन लगाना पड़ता है पता लगा लाइन में खड़े ही रह गए और ट्रेन छूट जाती है तो ये एक तो फायदा हुआ दूसरा ये एक ऐसा विस्तार है पाँच से सात लाख लोग इस वार्ड के अंदर रहते हैं इतने के बीच में एक रिजर्वेशन का केंद्र है यहाँ पर जो हमारे सांसद आदरणीय श्री सीआर पाटिल साहब और रेलवे बोर्ड में अपने यहाँ के रीजनल बोर्ड में हैं हमारे बम्बे क्षेत्र में श्री छोटू भाई पाटिल जी इन लोगों के प्रयास से जो ये काम हुआ है बहुत सराहनीय है और मैं तो वापस सांसद जी से निवेदन करूँगा कि इसी तरह का एक केंद्र बड़ोद के अंदर गणेश नगर के अंदर गड़ोदरा में गुड़ादरा में डेंडोली में भी किया जाए ताकि विस्तार में रहने वाले लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके કેમેરામેન મુકેશ ગુરવ સાથે સુરત મિશ્રા દિવ્યાંગ ન્યૂઝ સુરત